राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाई चारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाई चारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो।
का पार विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदार कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज Bye.
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा व कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मीरा श्याम कथा का ये डिजिटल प्रसारण हम सभी देख पा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इस कथा को वर्चुअली अर्थात ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के समक्ष संप्रेषित किया जा रहा है। भगवत प्रेमियों, आज मीरा श्याम कथा के इस प्राकथन को कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह कथा एक भक्त के जीवन दर्शन की यात्रा को दर्शाने वाली है, जो एक राजकुमारी से भक्त शिरोमणि बन गई। ऐसा सुंदर जीवन चरित्र, ऐसा धवल चरित्र कि जिन्हें बालपन से ही भगवान से प्रीति हो गई और श्वासांत तक वो प्रीति, वो प्रेम, वो भाव, वो निश्चलता, वो पवित्रता ज्यों की त्यों बनी रही। उसमें अंश मात्र भी अपभ्रंश नहीं आया, अर्थात नॉट इवन अ सिंगल थॉट ऑफ अडल्टरेशन। ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य चरित्र और उनकी गाथाओं को हम इस कथा के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी एकाग्रता, ऐसी फोकस्ड अप्रोच कि परिस्थितियों के चाहे जैसे भी झंझावात क्यों ना आए हों, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां इस भक्त के जीवन में क्यों ना आई हों, परंतु वो भाव नहीं बदला, वो विशुद्धतम प्रेम नहीं बदला, वो ज्यों का त्यों बना रहा। भक्ति का बीज जो बचपन में हृदय में रोपा जा चुका था, वो एक फलदार वृक्ष बनकर ही शोभायमान हुआ। ऐसी भक्त की, ऐसी दिव्यात्मा की कथा को हम इस दिव्य मंच के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। भगवत श्रद्धालुओं, आपने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा अनेकानेक कथाएं श्रवण की हैं, जैसे श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, कृष्ण कथा इत्यादि। इन सभी कथाओं में हमने भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन किया है। भगवान ने जो भी लीलाएं की, उनके आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और उनके वैश्विक मर्मों को हमने जाना और समझा है। परंतु आज जिस कथा का शुभ आरंभ हम करने जा रहे हैं, इसमें हम एक भक्त के जीवन दर्शन को समझ व जान पाएंगे, उनसे शिक्षाएं ले पाएंगे।
इसलिए ये कथा विलक्षण है। उन भक्त शिरोमणि का नाम क्या है? मीराबाई जी, जिनके विषय में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मीराबाई जी एक संपूर्ण व्यक्तित्व की धनी हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका चरित्र इतना धवल है, इतना श्रेष्ठ है कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मीराबाई जी के भीतर ऐसा दैवीय आकर्षण है कि उस आकर्षण से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। उनके भावों में इतना विशुद्धतम प्रेम है कि प्रेम के अलावा कुछ और समाया ही नहीं हुआ। उनके चिंतन में केवल मात्र क्रांतिकारी विचार हैं। वो उन क्रांतिकारी विचारों से समाज को बदल देने का मादा रखती हैं। उनके भीतर ये सामर्थ्य है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं मीराबाई जी, क्योंकि उनके जीवन का आकर्षण केंद्र कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनके जो गुण हैं, उन गुणों में भी हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों को ही समदर्शी पाते हैं। इतना श्रेष्ठ चरित्र, जिनकी कथा को हम आज इस दिव्य मंच से शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि द वन हु चूजेस द डिवाइन एक्चुअली हैज बीन चोजन बाय द डिवाइन। जो ईश्वर का चयन करता है, वास्तव में भगवान, वो ईश्वर ही उसका चयन कर लिया करते हैं। और मीराबाई जी का उदाहरण स्पष्ट आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, उस माधव ने, केशव ने स्वयं मीराबाई जी का चयन किया अपना विलक्षण कार्य करवाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए। और इस अद्भुत कथा को बांचने के लिए, हमारे समक्ष इन गूढ़ रहस्यों को रखने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के वृहद और विशाल शांति के मिशन में अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं, विश्व शांति के मिशन में। महाराज जी का उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित हो और मानव में क्रांति स्थापित हो। और इस महान उद्देश्य के लिए ना केवल आदरणीय कथा व्यास जी ने, बल्कि असंख्य असंख्य ऐसे लोगों ने, ऐसे भक्त श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को समर्पित किया है कि जो इस विश्व को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आप जिस संत समाज को इस मंच पर देख रहे हैं, साध्वियों को, विदुषियों को देख रहे हैं, या फिर साधुजनों को देख रहे हैं, ये सभी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समर्पित शिष्य एवं शिष्याएं हैं। आप इस मंच से जो भी कोई विचार सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आप उनको पाएंगे, अनुभव करेंगे ऐसा कि महाराज जी ने जिन आदर्शों को इन सब के भीतर, हम सब के भीतर स्थापित किया है, उन आदर्शों का दिग्दर्शन आपको इन विचारों में होगा। समय समय पर जिन भक्तों की गाथाओं को महाराज श्री ने हमारे समक्ष रखा, उनके गूढ़ रहस्यों को समझाया, उसके मर्म को समझाया, उन सभी मर्मों को और उन सभी गूढ़ रहस्यों को हम इन वचनों के माध्यम से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, वो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो अपने कर्म को धर्म और धर्म को कर्म कैसे बना सकता है, इस रहस्य का भी उद्घाटन इस कथा के माध्यम से, इस दिव्य विलक्षण कथा के माध्यम से हम जान व समझ पाएंगे, अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। साधक शिष्यों, यदि हम इस कथा की विवेचना करना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भक्त की गाथाएं ही ऐसी होती हैं, ऐसी विरल होती हैं। इस कथा को शुभ आरंभ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम आप सभी की ओर से जो वर्चुअली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने टीवी सेट्स के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन्स के माध्यम से या अन्य किसी भी गैजेट्स के माध्यम से, उन सभी की ओर से आइए हम सभी मिलकर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी
एवं मंचासीन संत समाज का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इससे पूर्व कि हम आज की कथा को श्रवण कर पाए, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं उन सभी भक्त श्रद्धालुओं का जिन्होंने इस कथा के निमित्त अपना योगदान दिया है यजमान के रूप में। चाहे वो मुख्य यजमान हो, चाहे दैनिक यजमान हो, चाहे उत्सव यजमान हो, सभी ने अपना सहर्ष योगदान देकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास किया है। आप सभी का जो ये प्रयास है ये सराहनीय है। आइए हम सभी जानते हैं कि वो महानुभाव कौन है, उनकी सूची क्या है, श्रवण करते हैं। मीरा श्याम कथा के निमित्त कथा के मुख्य यजमान इस प्रकार हैं, श्री कोमल कालरा जी एवं श्रीमती रेखा कालरा जी लुधियाना पंजाब से, श्री सुरेश सिंगला जी एवं श्रीमती वीना सिंगला जी सिरसा हरियाणा से, श्री एस पी गोयल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपका हार्दिक अभिनंदन है। कथा के निमित्त उत्सव यजमान हैं श्री श्रवण दारा जी, श्री सतवीर दारा जी, श्री दिलीप खिलेरी जी बीकानेर राजस्थान से। कथा के दैनिक यजमान इस प्रकार हैं, श्री चंदन सरीन जी एवं श्रीमती भावना सरीन जी अमृतसर पंजाब से, श्री अश्वनी महाजन एवं श्रीमती अर्चना महाजन जी गुरदासपुर पंजाब से, श्री अमित गुप्ता जी एवं श्रीमती मेघा गुप्ता जी जलंधर पंजाब से, श्री नंद किशोर शर्मा जी एवं श्रीमती आरती शर्मा जी रियासी जम्मू कश्मीर से, श्रीमती एवं श्री सुनील शर्मा जी अमृतसर पंजाब से, श्री राहुल कक्कर जी एवं श्रीमती मोनिका कक्कर जी फिरोजपुर पंजाब से। आप सभी का कथा में हार्दिक अभिनंदन है। और आइए अब समय है इस कथा को शुभ आरंभ करने का। तो हम आप सभी की ओर से जो वर्चुअली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी यजमानों की ओर से, सभी भक्त श्रद्धालुओं की ओर से, हम एक बार पुनः आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे आज की कथा का शुभ आरंभ करें। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। नमः शिवे वेश्वर पाद पंकज।
अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सज्जनवृंद, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीरा श्याम कथामृत के इस प्रथम सभा में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। और आए आज इस मीरा श्याम कथामृत की प्रथम आस्थायिका का प्रारंभ करने से पूर्व, कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में कोटि नमन अर्पित करते हैं, जिनकी असंख्य प्रेरणाओं ने, उनकी कृपा और करुणा ने हमें इस सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। आदरणीय भद्रजनों, स्कंद पुराण हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान पुराण है। इस स्कंद पुराण में अगर आपने तीर्थों की महिमा को या उसके महात्म्य को समझना हो तो बहुत भली प्रकार से उसमें उसका प्रतिपादन किया गया है। और स्कंद पुराण कहता है कि त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ अगर कोई है तो वह वाराणसी है। और गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार इस त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ काशी ही है। हम सभी इस बात से अवगत हैं, बनारस, वाराणसी, काशी, जिसे भगवान शिव का घर भी कहा जाता है, यह एक ही स्थान, एक ही तीर्थ स्थल के नाम है। गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार काशी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्यों है, वह अपनी बात की विवेचना करते हुए बताते हैं, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र नहीं, वह कहते हैं यह काशी ज्ञान क्षेत्र है। यहां कर्म बीज का वपन नहीं किया जाता, यहां तो ज्ञान बीज का वपन किया जाता है। यदि हम उनकी बात की विवेचना करें, उनके भावार्थ को समझना चाहें, बड़ी सरलता से वो यही समझा रहे हैं, जब एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का पदार्पण एक शिष्य के जीवन में होता है, तब वह ब्रह्म ज्ञान के बीज को अपने शिष्य के अंतःकरण में रोपित कर देते हैं, उसका वपन कर देते हैं। और फिर इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हुए उस साधक में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अपने कर्म संस्कारों को भी इस ज्ञान अग्नि में दग्ध कर सकता है। गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार वह कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ब्लैक बोर्ड पर, एक श्याम पट पर चौक से हम आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच दें और इन रेखाओं को बड़ी सरलता से फिर हम मिटा भी सकते हैं, बड़ी सहजता से इनको मिटाया जा सकता है, ठीक ऐसे ही जब क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान के बीज का रोपण करते हैं शिष्य के हृदय में, तो उसकी ध्यान साधना के माध्यम से शिष्य अपने कर्म संस्कारों को बड़ी सरलता से समाप्त भी कर सकता है। इसलिए जिस स्थान पर ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु निवास करते हैं सज्जनों, वह स्थान साधारण नहीं होता, सामान्य नहीं होता है, वह स्थान साक्षात काशी होता है। वह काशी क्षेत्र है, स्कंद पुराण का ही भाग है गुरु गीता, जिसमें कहा गया काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात तारकम ब्रह्मा निश्चयः। अर्थात कि जिस स्थान पर सद्गुरु निवास करते हैं वह स्थान काशी क्षेत्र होता है और उनके पादोदक गंगा जी के सदृश हुआ करते हैं।
इतना ही नहीं, वह सद्गुरु अपने शिष्य के लिए साक्षात भगवान विश्वनाथ का स्वरूप हुआ करते हैं और वह एक तारक ब्रह्म होते हैं, ऐसा निश्चय है। तारक ब्रह्म का अर्थ क्या है? जैसे तीर्थ शब्द होता है, तीर्थ शब्द जो कि संस्कृत की त्रिधातु से बना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पार लगाने वाला, एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर देने वाला, उतारने वाला। इसलिए सद्गुरु एक शिष्य के लिए तारक ब्रह्म होते हैं, वो हमें भव सागर से पार उस ईश्वर के धाम तक ले जाया करते हैं। इसलिए इस काशी क्षेत्र की ये पहली विशेषता है जहाँ पर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ऐसे विश्वनाथ स्वरूप सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। इस गुरुधाम रूपी काशी की दूसरी विशेषता क्या है? आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, सा काशी का अहम निज बोध रूपा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, यह काशी साधारण नहीं है, इस काशी में एक शिष्य अपने निज बोध से, अपने आत्मबोध से परिचित होता है, प्रबोध के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सज्जनों, ये विडंबना की बात है, इस संसार में व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत अत्यधिक जानता है, दूसरों के बारे में हमें सारी जानकारी होती है लेकिन हम स्वयं के विषय में नहीं जानते हैं, अपने आत्मबोध से परिचित नहीं है, अवगत नहीं है। और त्रासदी की बात यह भी है कि इस संसार में जितने भी आयाम हैं, जितनी भी तकनीक है, जो भी विद्याएं हैं सांसारिक, वो सभी हमें बाहर लेकर जाती हैं, उनमें से कोई भी हमें हमारे भीतरी जगत से परिचित नहीं करवा सकता है। यहाँ तक कि दुनिया को दूसरों के विषय में जानकारी लेने की इतनी लत लग चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है कि टेलीविज़न पर भी वही कार्यक्रम लोग देखते हैं जिसमें दूसरों के घरों में ताका झांकी होती है, जिसमें वो देखते हैं भोजन कैसे बना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये आपस में बातें कैसी कर रहे हैं, और उन कार्यक्रम की TRP भी बड़ी अच्छी चलती है। नहीं, विडंबना की बात है। अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चलें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी है एपिसेंटर, जिन्होंने अपने 150 कर्मचारियों के हाथ में एक माइक्रोचिप फिट करवा दी है। उन्होंने क्या किया, अंगूठे और तर्जनी अंगुली के मध्य में जो स्थान रिक्त होता है, इंजेक्शन के माध्यम से वहां माइक्रोचिप फिट करवा दिया गया है और इसमें NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रावधान कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम पोर्टेबल स्पीकर्स और लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और इस माइक्रोचिप के माध्यम से उस कंपनी ने क्या चाहा कि जो कर्मचारी हैं वो इस माइक्रोचिप के माध्यम से अपने दफ्तर के, अपने ऑफिस के दरवाजे खोल सकते हैं, वो प्रिंटिंग मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य संपादित कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है, कोई भी तकनीक या आज के समय की टेक्नोलॉजी ये स्थिर नहीं है, इनमें बदलाव होता रहता है, इनमें संशोधन होता रहता है। अभी हाल ही में मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया। आपने यूनिवर्स सुना होगा, मल्टीवर्स सुना होगा, अब मेटावर्स आ रहा है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया का ये अपडेट वर्जन है और इंटरनेट का फ्यूचर है मेटा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया। आपको ये सब बताने का हमारा भावार्थ इतना ही है सज्जनों कि तकनीक आगे आगे बदलती है, उसमें स्थायित्व नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने, जो विज्ञानों का विज्ञान है। इसे आप एक माइक्रोचिप की तरह देख लीजिए, उसे हमारे हृदय में बीज रूप में रोपित किया। ये ऐसे माइक्रोचिप है, ये संसार तो क्या, संसार को बनाने वाले ईश्वर से हम इसके माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अपने मन को ऑपरेट कर सकते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को कमांड दे सकते हैं, उसको सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है जो सृष्टि के प्रारंभ से सद्गुरु अपने शिष्यों को परंपरागत देते आए हैं, इसलिए ज्ञान बदलता नहीं है, हमें वही पुरातन सनातन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये काशी क्या है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, काश्यते तत्वम,
यानी कि हमारे भीतर जो तत्व प्रकाश हो रहा है ईश्वर का, उसमें डूब जाता है एक शिष्य, एक भक्त, और इस प्रकार से वो अपने निज बोध से, अपने आत्मबोध से परिचित हो सकता है। इस गुरुधाम रूपी काशी की तीसरी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता रहीम जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है। रहीम जी कहते हैं, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरिना बनाओ सुरसरी कीजो ईंद व भाल। रहीम जी बड़ा अच्छा कहते हैं, वह कहते हैं कि गंगा मैया को संबोधित करते हुए, हे गंगा मैया, आप अच्युत चरण तरंगिनी, यानी कि आप भगवान विष्णु जी के चरणों से आपका जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। हे गंगा मैया, भगवान शिव के सिर पर आप मालती माला की तरह गुंथी हुई हैं, लेकिन हे गंगा माँ, जब मेरे जीवन के अंतिम पल आए तो मुझे श्रीहरि मत बनाना, मेरे भीतर भगवान शिव जैसा सामर्थ्य दे देना। क्यों? क्योंकि सज्जनों, काशी जो है वो गंगा तट पर ही स्थापित है और गुरुदेव के चरणों से भी गंगा प्रवाहित होती है, जिसे कृपा रूपी गंगा कहते हैं। और इस गंगा को हम निम्न स्तर पर नहीं रख सकते, गुरु की कृपा को तो अपने सिर माथे पर रखा जाता है, उन्हें अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसलिए रहीम जी की तरह हमें भी इस बात पर सोचना होगा, हमें भी इस बात पर विचार करना होगा जो रहीम जी का दोहा हमें समझा रहा है। गुरु की कृपा को अपने सिर माथे पर रखना है, क्योंकि यह गंगा मैया जो देवताओं में जन्मी पली है, जिसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म कमंडल भी थाम नहीं पाया, जिसे हिमालय की गगनचुंबी अट्टालिकाएं भी रोक नहीं पाई, उसे भगवान शिव की जटाओं ने उसके वेग को स्थान दिया, उन्हें थाम लिया। इसलिए रहीम जी यही समझा रहे हैं, गुरु की कृपा रूपी गंगा को प्राप्त करना है तो अपनी पात्रता को संकुचित मत रखना, अपनी पात्रता में भी संवर्धन करना, संशोधन करना। कैसे? जैसे आपने डायमंड के बारे में सुना ही है, कहते हैं डायमंड जब वो बड़ा चमकदार होता है, तराश लिया जाता है, तो उसमें से बड़ी छवियां प्रस्फुटित होती हैं। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि डायमंड और कोयला दोनों का मूल तत्व एक ही होता है, जिसे कार्बन कहा जाता है। डायमंड और कोयले का मूल तत्व कार्बन है, लेकिन फिर भी कोयले को हम हीरा नहीं कह सकते और हीरे को हम कोयला नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है? दोनों के मूल्य में, दोनों की कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। कारण यही है कि डायमंड ने, हीरे ने अपने उस मूल तत्व कार्बन को संशोधित किया, संवर्धित किया, परिवर्तित किया, उसमें सुधार किया, उसमें विकास किया, तो वो कोयले से हीरा बन गया। इसी प्रकार से हमने अपनी पात्रता को भी संवर्धित करना है, उसको विकसित करना है, ताकि गुरु के चरणों से प्रवाहित वो उनकी कृपा रूपी गंगा हमारे पात्र में समाहित हो सके। इसलिए सज्जनों, इस गुरुधाम रूपी काशी की चौथी विशेषता क्या है? इस गुरुधाम में जब एक शिष्य आता है तो वह एक तीर्थ यात्री की तरह होता है, वो पर्यटक नहीं होता। पर्यटक में और तीर्थ यात्री में अंतर हुआ करता है। पर्यटक बाहरी विचित्रता के आकर्षण में, सौंदर्य में डूब जाता है, वो रोमांचकारी यात्रों की खोज में निकलता है, लेकिन एक शिष्य तीर्थ यात्री की तरह होता है, जो अपने भीतर की यात्राओं में उतर जाता है, जो आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ता है, और वो इस गुरुधाम में आकर व्यक्त से अव्यक्त, स्थूल से सूक्ष्म और जड़ से चेतन की यात्रा की ओर बढ़ता है। ये गुरुधाम रूपी काशी उसे उसके भीतर लेकर जाती है। इसलिए आज इस कथा का प्रारंभ करने से पूर्व गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में यही अभ्यर्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें आपकी कृपा चाहिए, और उस कृपा को समाहित करने वाला पात्र, उसमें जो विकास होगा वो भी आपकी कृपा से ही संभव होगा। गुरुदेव, हमें उनकी कृपा को मांगना है, क्योंकि भद्रजनों, इस कथा को हम गायन, वाचन और शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र और उसके मध्य में स्थित उन भावों को हम गुरु महाराज जी की कृपा के बिना आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। एक चित्रकार को ही देख लीजिए, एक चित्रकार सुंदर फूलों का अपनी तुलिका के माध्यम से चित्र तो चित्रित कर सकता है, लेकिन उसमें सुवास कहाँ से लेकर आएगा, सुगंध नहीं भर सकता है। जैसे वो चित्रकार, मान लीजिए, चांद और सूर्य का चित्र बना देता है, लेकिन उसमें वास्तविक प्रकाश को उद्भासित नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से
हम गायन, वादन और शब्दों के माध्यम से इस कथा को तो कह सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा के बिना जो भक्तिमती मीरा जी हैं, भक्त शिरोमणि हैं, उनके भावों को आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे। इसलिए आए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे गुरुदेव, आपने हमें वो महान ब्रह्म ज्ञान दिया, आपके स्वरूप में साक्षात भगवान विश्वनाथ हमें प्राप्त हुए। हे गुरुदेव, इस कथा को कहने के लिए, गायन या वादन करने के लिए हमें आपकी कृपा चाहिए, ताकि इस कथा में रस का प्रवाह प्रवाहमान हो सके। आए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में इस कृतज्ञता ज्ञापित स्वरूप भजन को हम श्रवण करते हैं। आइए।
नदिया चल चल शांत मए चरणों में एक जयघोष अर्पित करते हैं। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। इसलिए सज्जन वृंद, जिसे हम कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह भी अनंत है। पुराणों शास्त्रों ने जिसे नेति नेति कहकर गाया है, वो कहना भी असंभव है। लेकिन भगवान का चरित्र फिर भी कभी न कहीं किसी प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन भक्त का चरित्र वह कहना असंभव और दुस्तर कार्य होता है, क्योंकि उसमें जो भाव होते हैं उन भावनाओं की थाह को पाना सरल कार्य नहीं हुआ करता, और ये गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए मीराबाई जी की जिस कथा को आप श्रवण करने जा रहे हैं, मीराबाई जी, उनके जीवन में वेदना ही प्रारंभ से है, और वही वेदना उनको प्रभु की ओर उन्मुख भी करती है, और वही वेदना उनको उनके गंतव्य की ओर लेकर जाती है। इसलिए इस वेदना का अध्यात्म में और एक भक्त के जीवन में बड़ा महत्व हुआ करता है। सारा विश्व वेदना के चुंबकीय आकर्षण से आबद्ध है। सृष्टि के सर्जना के मूल में वेदना ही है। इस प्रकृति के कण कण में वेदना ही परिव्याप्त होती है। देखिए, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की ज्वाला के ताप से धरती शस्य श्यामला बनती है। लघु प्राण दीपक वेदना को सहन करता है, ताप को सहता है, पीड़ा सहन करता है और दूसरों को प्रकाश बांट देता है। जड़ एवं कठोर लोहा भी तप्त होकर मृदु एवं कोमल बन जाया करता है। स्वयं समाप्ति की वेदना का आलिंगन करते करते ढलता हुआ दिन सारे विश्व को राग रंगमय बना जाता है। कहने का अभिप्राय क्या? यही कि वेदना हमारे जीवन के भौतिक तत्वों को चुनौती देकर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यह वेदना का स्वर भारतीय संस्कृति में दिग्दिगंत से गुंजायमान है। यह वेदना भारतीय इतिहास और इसकी परंपरा से संबद्ध होकर इसे गौरवशाली बनाती है। आपने पौराणिक आख्यान तो सुना ही होगा, सागर मंथन से जब विष निस्सृत हुआ, उस विष के निकलते ही सभी दिशाएं जो है वो वेदना और पीड़ा से भर गई।
सभी ओर त्राही त्राही होने लगी। और तब भगवान भोलेनाथ ने करुणावश उस विष का पान किया और नीलकंठ भगवान कहलाए। कहने का भाव यही है कि वेदना और पीड़ा और त्रास के समय में एक ऐसी महान शक्ति का जन्म होता है, ऐसी महान शक्ति का आविर्भाव होता है जो विकट से विकट परिस्थिति में व्यक्ति को साहस प्रदान करती है, प्रतिकूल परिस्थिति में हमें कैसे चलना है उसके लिए हमें बल और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए सज्जनों, यह जो वेदना है अध्यात्म में, काव्य सर्जना में, साहित्य में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अनिवार्य घटक है जो मनुष्य की आभ्यंतर क्षमताओं को जागृत करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। वेदना एक मन का भाव भी है। विभिन्न स्थानों पर इसका भिन्न भिन्न अर्थ लिया गया है। जिस प्रकार से चिकित्सालय में किसी अंग भंग या आघात से उत्पन्न हुई पीड़ा को वेदना कहा जाता है, यह वेदना का भौतिक या शारीरिक स्वरूप है। मनोविज्ञान में सुख प्रतिकूल की संज्ञा को वेदना कहा गया है। काव्य सर्जना की अगर हम बात करें तो काव्य रचना के विषय में सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवियों ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि वेदना या पीड़ा ही कविता की जननी हुआ करती है। और उन्होंने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। यानी कि वेदना काव्य रचना का आधार होती है। यदि हम साहित्य के क्षेत्र में चलें तो कहते हैं आधुनिक महाकाव्य जो हमारे भारत का, जिसे साकेत महाकाव्य कहते हैं, ये साकेत महाकाव्य जिसमें एक नारी की वेदना का प्रबलतम स्वरूप दृष्टव्य होता है, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला जी की वेदना का यह जीता जागता संग्रह है। और यदि हम बौद्ध ग्रंथों की ओर चलें तो बौद्ध ग्रंथों में वेदना अनुभूति को महाकरुणा की संज्ञा दी गई है। और भक्ति युग में अगर देखें तो भक्ति युग में यहां तक कहा गया, जो भक्त की आंखों से आंसू निकलते हैं, जो विरह है उसका प्रलाप या रुदन है, यह वेदना के प्रेरक तत्व माने गए हैं। और वैष्णव भक्ति में तो वेदना को प्रधानता दी गई है। क्यों? क्योंकि वेदना से ही विरह का जन्म होता है, यह विरह की जननी हुआ करती है। और जब यह विरह का जन्म होता है, विरह के जगते ही भक्त की आंखों से आंसू बहने प्रारंभ हो जाते हैं। भक्तजनों, एक बात यहाँ पर स्पष्ट करनी बड़ी अनिवार्य है, यहाँ संसार की पीड़ा और प्रभु की विरह वेदना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। संसार की पीड़ा में हमें दुख मिलता है, निराशा मिलती है, हम निरुत्साहित भी होते हैं, लेकिन जो प्रभु की पीड़ा होती है, प्रभु की प्रेम की पीड़ा, ये जितनी बढ़ती है आनंद उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसमें दुख नहीं होता, इसमें भक्त को आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए जब विरह वेदना से ग्रसित हृदय जो होता है भक्त का, वेदना के आते ही आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, भक्त का हृदय जो होता है उसकी धूमिलता और पंकिलता का अवसान होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वर्षा के जल से अभिषिक्त होकर यह धरती सुंदर दिखती है, उसका रंग रूप निखर आता है, वह आह्लादित या प्रसन्न हो उठती है, ठीक उसी प्रकार से इस वेदना के अश्रुओं से अभिषिक्त होकर भक्त का हृदय अकलुष और पवित्र होकर गरिमा मंडित बन जाता है। इसलिए जिसके हृदय में एक बार प्रभु प्रेम का तीर लग गया तो हृदय घायल हुए बिना नहीं रह सकता है। अब वो व्यक्ति यह कहे कि मैं घायल हो गया हूँ, तीर लग गया है प्रभु प्रेम का, तो मुझे इसका इलाज करवाना चाहिए, इसका उपचार करवाना चाहिए, तो सज्जनों यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रेम पीड़ा का कभी उपचार नहीं हो सकता है। इसका उपचार क्या है, इस पीड़ा का बढ़ जाना ही अपने आप में इसका उपचार या इसका इलाज हुआ करता है। भक्त ने, किसी ने बहुत सुंदर कहा, तेरी याद जो दिल पर छा गई, इन आंसुओं का मैं क्या करूं, मुझे दर्द ही रास आ गया, फिर दवा की दुआ मैं क्या करूं। भक्त यही कहता है कि प्रभु, बस मैं ये चाहता हूं कि ये प्रेम पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, मैं चाहता हूं प्रभु ये प्रेम पीड़ा ही बचे, मेरी मैं समाप्त हो जाए, मेरा अहंकार उसमें समाप्त हो जाए प्रभु। इसलिए सज्जनों,
जब भक्त होता है आप उसको पूछें कि यह विरह वेदना कैसी है, वो शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि प्रेम की दुनिया में शब्दों के सिक्के नहीं चलते हैं। यहाँ तो आंखों से बहते हुए आंसुओं से ही बात कहनी पड़ती है। और कहते हैं भक्त की तो नींद भी गीली होती है उसके आंसुओं के कारण। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपने प्रभु को स्मरण करता है। और कहते हैं ना, जैसे संसार में कोई आपको उपहार दे और उस उपहार को देखकर आपको उपहार को देने वाले की याद आती है, जब जब आप उस उपहार को देखेंगे उसकी याद आपके हृदय में जीवंत हो जाएगी। बस भक्त की आंखों से भी जब आंसू बहते हैं, अश्रु धारा प्रवाहित होती है, तो उसके हृदय में उसके प्रभु की स्मृतियां, उसकी यादें जीवंत और साकार होती हैं। इसलिए सज्जनों, यह जो प्रेम का तीर लगता है ना प्रभु की ओर से हृदय में, ये जीवन का आशीर्वाद होता है, ये स्वास्थ्यों का स्वास्थ्य है, ये सौभाग्यशाली भक्तों के हृदय में को ही घायल करता है, सबको घायल नहीं करता है। इसलिए जिस हृदय में ये वेदना है, ये वेदना ही भाव साधना की वह भूमिका है जिस पर भक्ति प्रतिष्ठित होती है और प्रेम प्रतिफलित हुआ करता है। और इस वेदना के कारण, इसके बिना जीवन बांसुरी की पोंगरी की तरह होता है, और वेदना के आते ही जीवन बांसुरी बन जाता है जिसमें प्रभु के स्वर प्रस्फुटित होने लग जाते हैं, प्रभु के नाम का संगीत गुंजायमान होने लग जाता है। इसलिए आए भजन को श्रवण करते हैं, जो भजन यही कह रहा है, जिस हृदय में विरह वेदना का जन्म ही नहीं हुआ वो प्रभु को क्या प्राप्त करेगा। क्योंकि एक बीज जब मिट्टी में अपने आप को समाप्त करता है, अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देता है मिट्टी की गोद में, तब जाकर वो पल्लवित होता है, फिर उस पर पौधा पनपने लग जाता है। इसलिए सज्जनों, ये वेदना कैसी है, इस वेदना की कैसी, ये कितनी आवश्यकता है जीवन में, आए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। Thank you.
जिसके हृदय में नहीं वेदना वो क्या प्रभु को पाएगा, जिसके हृदय जी कहते हैं कि इस विरह वेदना का आधार भक्ति होती है। वो कहते हैं कि इस विरह रूपी स्वयंभू में जो छटपटाता है वो अनिवर्चनीय और विलक्षण आनंद की प्राप्ति कर लेता है। और इसलिए कहा, पल पल विरह वेदना में है जलती, तब जाकर है मीरा बनती। मीरा ऐसे नहीं बनती, पल पल अपने जीवन में जिसने विरह वेदना को सहन किया और इस वेदना को प्रभु की ओर उन्मुख कर दिया, और वही उनके लिए मुक्ति का द्वार बन गई। इसलिए भक्तजनों, मीरा बाई जी जो कि प्रेम की गंगोत्री हैं, भक्ति का महासागर हैं और भाव का मान सरोवर हैं, हम आपको निमंत्रण देते हैं इस भाव के मान सरोवर में आने के लिए। लेकिन उसमें आने के लिए आपको हंस बनना होगा। हंस बनकर ही इस मानसरोवर में आया जा सकता है। हम सभी जानते हैं, हंस और बगुला दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं। हंसा बगुला एक रंग मानसरोवर माही, बगुला ढूंढे माचुरी हंसा मोती खाही। जा माया भक्तन तजी, तही चाहे संसार, भक्तन भक्ति प्यारी है और नचित्त विचार।
उस मानसरोवर में हंस और बगुला दोनों रहते हैं। दोनों का रंग रूप एक जैसा है, दोनों का निवास स्थान भी एक ही है मानसरोवर। उस मानसरोवर में ना तो मोतियों की कमी है ना मछलियों की कमी है, लेकिन दोनों की वृत्ति में ऐसा अंतर है कि बगुला जो है वो मछली ही खाता है और हंस मोती ही चुगता है। इसलिए इस मानसरोवर में आना है अगर भक्तिमती मीरा जी के भाव रूपी मानसरोवर में, तो हंस बनना होगा, क्योंकि हंस की आंख में मोती की पहचान होती है, हंस के दिल में उस मोती को पाने की आकांक्षा होती है, ऐसी लालसा होती है। हंसा तो मोती चुगे, यहां मोती कौन है? ये भक्ति और प्रेम के मोती हैं, और हंस का अर्थ क्या है? भक्त और साधक इसका अर्थ है। इसलिए भक्तजनों, इस संसार की माया और इस माया की छोटी छोटी उपलब्धियों में एक भक्त कभी नहीं फंसता है। उसको इस माया की उपलब्धियों से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो अपने विराट प्रभु को प्राप्त करना है, वो तो उसे एक विराट को प्राप्त करना चाहता है। जो भक्त क्षीर सागर के जल का पान करने पर ही तृप्त होता है, वह भक्त नदी और पोखर के जल को कभी नहीं पीना चाहेगा। इसलिए जब हम हंस बनकर इस कथा को सुनेंगे, एक भक्त हृदय को लेकर बैठेंगे, तो भक्ति के मोती ही चुगेंगे। देवऋषि नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा, उसमें सूत्रबद्धता है, व्यवस्था है, तर्क है, उसमें भक्ति के विषय में कहा गया है। लेकिन भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की अगर हम बात करें तो उनके पास प्रेम शास्त्र है, नहीं शास्त्र भी नहीं कह सकते, उनके पास तो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, बस प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए जो समर्पित है। इसलिए उनका शास्त्र नहीं है, वहां कोई तर्क नहीं, व्यवस्था नहीं, सूत्र नहीं, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि भक्ति और प्रेम जो है ईश्वर के विषय में जो कहा जाता है, वो पहले ही हमारे लिए गौरी शंकर की चोटी के समान है, यानी कि दुस्तर कार्य है हम साधारण जनों के लिए। लेकिन भक्तजनों, अगर आप इस पर तर्क के पंख लगा लेंगे और इस पर उड़ान भरनी चाहेंगे इस चोटी तक पहुंचने के लिए, तो आप थक जाएंगे उन तर्क के पंखों के बोझ से। इसलिए यहाँ तर्क नहीं चलता है। इन 7 दिवसों में हम मीराबाई जी की कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके भजनों को गुनगुनाएंगे, तो उसके लिए हमें भाव चाहिए, हमारे हृदय में श्रद्धा चाहिए, हमें भाव की आंख से मीराबाई जी को देखना होगा, और भावनाओं से भरे हुए हृदय से ही हम इन भजनों को श्रवण कर पाएंगे और उन्हें गुनगुना पाएंगे इस कथा के साथ साथ। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी ने जो भजन लिखे हैं ना, वो साधारण भजन नहीं है, वह भजन अलौकिक हैं। वो मान लीजिए उसने अपने प्रभु को पातियाँ लिखी हैं, अपने प्रभु को पत्र लिखे हैं, या कह सकते हैं उनका उनके भगवान के साथ संवाद है। अपने प्रभु के विषय में, अपने प्रभु के साथ बात करने का जब मन हुआ, मीराबाई जी ने भजन कह दिया, पद रचना कर दी, और प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी उसको परीक्षक बनकर नहीं सुना, उसे भावों से ग्रहण किया। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, कवि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास हमें बैठने का, उनके सानिध्य में बैठने का अवसर अवश्य मिला होगा। गुरु भक्तों, जब हम वहां बैठे होंगे तो अपने गुरुदेव को देखकर मन में भाव उपजे होंगे, और उन भावनाओं में बहकर हमारा मन किया कि हम अपने गुरुदेव के समक्ष कुछ भजन सुनाएं, कोई प्रस्तुति उनके चरणों में रखें। तो जब हमने उस भजन का गायन किया, तो गायन करते हुए हमारी दृष्टि भजन के व्याकरण पर नहीं गई, इसकी भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इसमें छंद कैसा है, इसकी शैली क्या है, नहीं, बस जो मन में आया, जो भाव उपजे, उन भावनाओं में बहकर हमने महर्षि के चरणों में उस प्रस्तुति को कर दिया, और हमारे गुरुदेव ने भी परीक्षक बनकर उन्हें नहीं ग्रहण किया, अपितु जैसे भाव उन भावों को वो ग्रहण करते गए, उन भावों को वो स्वीकार करते गए। इसलिए भक्तजनों, मुझे घटना याद आ रही है महाप्रभु चैतन्य जी के जीवन की। महाप्रभु चैतन्य जी के पास एक बार एक विद्वान आए जिनका नाम था ईश्वरपुरी जी। ईश्वरपुरी जी ने उन दिनों भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से ओतप्रोत एक ग्रंथ की रचना की थी, और ईश्वरपुरी जी रोज संध्या में महाप्रभु चैतन्य जी को आकर अपने ग्रंथ के माध्यम से कोई ना कोई लीला प्रभु की कह देते। और एक दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य जी से कहा, हे चैतन्य, हे महाप्रभु,
मैं आपको अपने ग्रंथ की कोई ना कोई लीला कह देता हूँ तो इसका अर्थ यह मत समझिएगा कि मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन आपके समक्ष कर रहा हूँ। आप तो उच्च कोटि के विद्वान हैं, इसलिए मैं आपको ये रचना सुनाता हूँ ताकि आप इसमें से किसी अशुद्धि को बता सकें, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कह सकें, आप मुझे वो कह सकते हैं जो अशुद्धि इसमें है। महाप्रभु चैतन्य भाव विभोर हो गए, कहने लगे, जिस पद में भगवद प्रेम हो, जिस छंद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया हो, वो अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध ही होता है, उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा, जिसके भीतर प्रभु के पाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, प्रभु की महिमा नहीं है, भाषा की दृष्टि से वो कितना भी परिमार्जित क्यों ना हो, उसे व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, यहां तर्क नहीं चलेंगे। मीराबाई जी के इस भावरूपी मानसरोवर में हंस बनकर ही इस मानसरोवर में हम विहार कर सकते हैं, और भाव और श्रद्धा की आंख से ही मीरा को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं, उनमें भक्ति का दर्शन नहीं, वो ऐसा लगता है कि साकार रूप है भक्ति का। मीराबाई जी की कथा में आप श्रवण करेंगे, अब स्वयं इस बात को महसूस करेंगे, अनुभव करते चले जाएंगे। मीराबाई का प्रेम कैसा है भगवान श्री कृष्ण जी के संग? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए और मीरा उनसे हजारों सालों बाद इस धरती पर आती हैं। गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण जी के संग संग रहीं, गोपियों के लिए ना तो स्थान की दूरी थी, ना उनके लिए काल की दूरी थी। हाँ, प्रभु श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो स्थान की दूरी बनी रही कुछ समय के लिए, लेकिन वही समय और वही काल वही स्थान वहां रहा। लेकिन सज्जनों, मीराबाई जी के लिए देखिए कितना कठिन हुआ होगा, स्थान की भी दूरी है और समय काल की भी दूरी है। लेकिन मीराबाई जी ने सिद्ध किया कि एक प्रेमी जो होता है उसका प्रेम अपने प्रियतम के लिए किसी भी काल की परिधि को लांग जाता है। उनके प्रेम ने उस स्थान और उस काल को भी लांग दिया, वो श्री कृष्ण जी के चैतन्य स्वरूप से ऐसी जुड़ गई कि वो प्रेम दीवानी मीरा कहलाई जाने लगी, प्रेम दीवानी बन गई। मीराबाई जी कैसी हैं? मीराबाई जी जैसे आपने रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बारे में सुना होगा, हम परिधि और केंद्र की बात जानते हैं। जब हम अपने केंद्र ईश्वर से दूर संसार रूपी परिधि की ओर बढ़ने लग जाते हैं, भौतिकता का संग्रह करते हैं, उस परिधि की ओर चले जाते हैं, तो ये मीरा की जो कथा है, मीरा श्याम कथामृत, ये हमें परिधि से खींचकर हमारे केंद्र की ओर लेकर आती है। ये हमें हमारे केंद्र स्वरूप, हमारे प्रभु से हमारा मिलन करवाती है। महाभारत के सभा पर्व में कहा गया कि वो केंद्र स्वरूप ईश्वर श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। और जिसमें लिखा गया, अग्निहोत्र मुखा वेदा गायत्री च छंदसांग मुखम, राजा मुखम मनुष्यानांग नदीनां सागरों मुखम, नक्षत्राणांग मुखम चंद्र आदित्यस तेजसांग मुखम, पर्वतानांग मुखम मेरुर गरुड़ाह पततांग मुखम, ऊर्ध्वं तीर गदश्चैव यावती जगतो गति ही सदैव केशु लोकेशु भगवान केशवो मुखम, भगवान केशवो मुखम। महाभारत के सभा पर्व में कहा गया, अग्निहोत्र मुखा वेदा, वेदों का मुख अग्निहोत्र है और छंदों का मुख गायत्री है, मनुष्यों का मुखिया राजा कहलाता है और नदियों का जो प्रमुख स्थान है उनका मुखिया सागर होता है, पर्वतों में मेरु पर्वत और पक्षियों में गरुड़राज ही प्रमुख माने जाते हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा और ज्योतिष्मान पदार्थों में आदित्य अर्थात सूर्य को ही मुख्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार की ऊंची नीची मध्य की जितनी भी गतियां हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही प्रमुख हैं, वही केंद्र स्वरूप हैं, वही सबके मुख्य हैं। इसलिए मीराबाई जी उस केंद्र की ओर हमको लेकर आती है। सज्जनों, जिस प्रकार से दुग्ध में धवलता है, अग्नि में दाहकता है, पृथ्वी में गंध है, वैसे ही मीरा में श्याम और श्याम में मीरा समाहित हैं, दोनों का अभिन्न स्वरूप है। अगर भगवान श्री कृष्ण आकाश हैं तो मीरा धरती हैं, श्री कृष्ण बांसुरी हैं तो मीरा उनका संगीत उनका स्वर है, भगवान श्री कृष्ण अगर सागर हैं तो मीराबाई जी उस सागर की लहरें हैं। इसलिए दोनों का अभिन्न स्वरूप है, इसीलिए यह कथा है मीरा श्याम कथामृत। आए
उस भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम दीवानी मीरा और श्री कृष्ण जी का कैसा अभिन्न स्वरूप है इस भजन के माध्यम से आइए हम भी श्रवण करते हैं। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, भक्ति का साकार रूप है। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, श्याम चरण अनुरागिनी 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 गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, अपने कान्हा पर अपना सर्वस्व सदा ही लुटाती। कृष्ण प्रेम में रमी हुई है, रमी हुई, रमी हुई गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा।
प्रकार से ये श्याममयी मीरा है, ये गिरिधर की मीरा है। मीरा बाई जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जुड़ गया और उन्हें श्याममयी मीरा या प्रेम दीवानी मीरा कहा जाने लगा। भक्तजनों, मीरा बाई जी प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में रंगी और पगी मीरा राजस्थान की उस धरती की देन है जिस पर वीरों की शौर्य गाथाएं लिखी गई, जिस धरती पर आन बान पर मिटने वाली जौहर करने वाली वीरांगनाओं की कथाएं लिखी गई। यह वह धरती है जहां असंख्य संत महापुरुषों ने अवतार धारण किया। इसलिए यह साधारण धरती नहीं है, यह राजस्थान की धरती। आइए आज आपको मेड़ता की ओर ले चलते हैं। मेड़ता जहां पर मीराबाई जी के दादा सा राव दूधा जी शासक हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ शासक हैं और अपनी प्रजा के हृदय पर राज करते हैं। आज राव दूधा जी अपनी मेड़ता में बने हुए राजमहल की सर्वोच्च अट्टालिका पर बैठे हैं, अकेले एकांत में बैठे हैं और दूर तक जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उनका साम्राज्य है, उनके साम्राज्य की सीमाएं उनकी दृष्टिगोचर हो रही हैं। वो अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं राव दूधा जी, और उनके मन में स्मृति की अनंत उर्मियों ने घात प्रतिघात करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उनके मन मस्तिष्क में विचार उठने प्रारंभ हो गए। विचारों की उहापोह में डूबे हैं राव दूधा जी और मन ही मन सोचते हैं, मैंने अपने जीवन में ना जाने कितने युद्ध किए हैं, कितने युद्ध लड़े हैं, कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतारा है। उस रक्त रंजित तलवार के विषय में जब वो सोचते हैं तो उनका मन पसीज उठता है, विवल हो उठता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं राव दूधा जी। राव दूधा जी अक्सर ये बात कहते हैं कि यह जो युद्ध है, युद्ध मानवता के भाल का कलंक होता है, यह अत्यंत विद्रूप और निंदनीय कृत्य होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, ये सब इस धरती पर दृष्टिगोचर होना चाहिए। लेकिन राव दूधा जी फिर सोचते हैं, उस युद्ध के बाद ही तो मैंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, इस मेवाड़, इस मेड़ता साम्राज्य का मैं संचालन कर रहा हूं और उसी कारण से आज मेरी जो प्रजा है वो सुख समृद्धि में रह रही है, धन धान्य की यहां कोई कमी या अभाव नहीं है। और राव दूधा जी सोचते चले जा रहे हैं और ऐसे विचार आज सागर मंथन की भांति उनके मन को मथते चले जा रहे हैं। और राव दूधा जी जिनके राजप्रासाद में पार्श्व में एक चतुर्भुज भगवान का मंदिर बना हुआ है, चतुर्भुज नाथ के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी हैं जिनके हाथ में गदा, पद्म, शंख और चक्र पकड़ा हुआ है, उन चक्रधारी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा वहां पर स्थापित की हुई है। और सदियों से राव दूधा जी का वंश, उनकी कुल के लोग भगवान चतुर्भुज नाथ जी की पूजा और आराधना करते चले आ रहे हैं। और इन चतुर्भुज भगवान को स्मरण करते हुए राव दूधा जी सोचते हैं, हे मनमोहन श्री कृष्ण मुरारी, आपने स्नेह यज्ञ में कभी भेदभाव नहीं किया, आपने प्रेम दान करने में कभी छोटा बड़ा नहीं देखा। जैसे यमुना मैया के जल को दोनों हाथों से उलीच उलीच कर बांटा जाता है, आपने प्रेम दान अपने भक्तों में ऐसे बांटा है। अरे आपकी बांसुरी को ही ले लीजिए, हे ब्रजमोहन, जब आपकी बांसुरी निनादित होती तो गोप गोपांगनाएं, धेनु, मृग, लटा, लता, विटप, सबके अंदर एक स्वर लहरी फैलने लग जाती, सबके अंदर एक मधुर संगीत का विस्तार होने लग जाता, कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, कहीं कोई भेदभाव भाव नहीं है। हे चतुर्भुज भगवान, आपके चरणों में मेरा भी एक विनय है, मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे कुल और वंश में कोई ऐसा आए जो जीवन और जगत के मध्य में भेद समझ सके, जिसके पास ऐसा विवेक हो जो संसार में जो त्याज्य है और जिसे ग्रहण करना है वो उसकी ओर बढ़ सके, कोई ऐसा हो जो राजनीति और रणनीति के कर्दम में कमल पुष्प की तरह खिल उठे और जिसकी सुवास, जिसकी सुगंध दसों दिशाओं में विस्तारित हो जाए, फैल जाए, ऐसी भक्ति की धारा बहे कि युद्ध और स्वार्थ में क्लांत हुआ व्यक्ति जब उसके किनारे आकर बैठे तो उसे कुछ क्षणों के लिए विश्रांति की प्राप्ति हो सके, उस भक्ति रूपी जलधारा के जल को वो भी ग्रहण कर तृप्त हो जाए। हे चतुर्भुज भगवान, कुछ ऐसा कर दीजिए हमारे कुल और वंश के अंदर। राव दूधा जी मन ही मन ये सोच ही रहे थे, प्रकृति ने भी देख लिया
राव दूदा जी अपने वंशज या वंशजा को श्री कृष्ण जी अध्यात्म या धर्म के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो प्रकृति ने भी एक खेल खेला, एक सुंदर क्रीड़ा की। तभी एक अश्वरोही उनके लिए संदेश लेकर आया और उनके पास आकर कहता है, खम्मा गणी हुकुम, खम्मा गणी अंदाता, यह संदेश कुड़की से आपके लिए आया है। राव दूधा प्रसन्न हो गए, कुड़की से आए हो, अरे जाओ जलपान ग्रहण करो, बैठो नीचे, जाओ राजप्रसाद के कक्ष में, हम अभी आते हैं। राव दूधा जी के हाथ में वो संदेश पत्रिका पकड़ी हुई है। आपको बता दें, राव दूधा जी के 5 पुत्र हैं और उनके 4th पुत्र का नाम है रतन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी का नाम है वीर कुंवरी जी, जिसे राव दूधा जी ने कुड़की रियासत दे रखी है और कुड़की के ग्राम में वो एक राजमहल में निवास करते हैं। और कुड़की से ही ये संदेश आया कि राव दूधा जी की पुत्र वधु वीर कुंवरी जी सगर्भा है, वो गर्भवती हैं। जब ये समाचार पढ़ा उन्होंने उस संदेश के माध्यम से, तो राव दूधा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे चतुर्भुज भगवान, धन्य हो आप, आपकी जय जयकार हो प्रभु। हे प्रभु, आपने इतनी शीघ्रता से मेरी विनय को स्वीकार कर लिया। हे नाथ, अगर मेरे कुल में, मेरे वंश में जो सदियों से आपकी पूजा आराधना हो रही है, उसका एक अंश भी आपको भाग गया हो ना प्रभु, तो बस मेरे घर में उस जो वंशज या वंशजा आने वाली है वो आपको ही समर्पिता हो जाए, वो आपको ही समर्पित हो जाए प्रभु। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु, यहाँ भक्ति की लौ जागृत हो जाए। राव दूधा जी अब उस राजप्रसाद की अट्टालिका से नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए अपने महल के कक्ष में आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और इधर कुड़की के अंदर वीर कुंवरी जी, जो रतन सिंह जी की धर्म पत्नी है, वो सगर्भा है, बहुत प्रसन्न है और कहते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हैं। दिन रात प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करना, उनकी कथा को श्रवण करना, उनके भजनों को गुनगुनाना उन्हें बहुत प्रिय कर लगता है। और वीर कुंवरी जी स्वयं भी प्रभु के भजन गुनगुनाया करती हैं, बहुत सुंदर मधुर गायन किया करती थी। और वीर कुंवरी अपनी दासी से बात करती हुई कहती है, दासी, मेरा मन है कि मेरे घर में एक गोपिका आ जाए, क्योंकि कृष्ण को तो गोपी बड़ी प्रिय लगती है ना। दासी ने कहा, जी रानी सा, बहुत प्रिय लगती है उनको गोपी। तो वीर कुंवरी जी अपनी इच्छा व्यक्त करते कहती हैं, मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह अभ्यर्थना है, ऐसी विनती है कि एक गोपी आए जिनको मैं उनके चरणों में समर्पित कर सकूँ, उन्हें निवेदित कर सकूँ, उनकी चरण रागिनी बन जाए वह गोपी, बस मेरी यही इच्छा है। प्रभु से उन्होंने यह मांग लिया बड़ी सहजता से और कहते हैं, उत्तम लक्षणों से परिपूर्ण प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी, क्योंकि भक्त का जन्म होने जा रहा है सज्जनों, साधारण बात नहीं है। और इसलिए कहते हैं ना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अर्थात वो कुल, वो धरती, वो माँ जननी धन्य हो जाती हैं जब एक भक्त का जन्म होता है, उनका प्राकट्य होता है। और इधर सभी दासियाँ कक्ष में वीर कुंवरी जी को ले जाती हैं और उत्तम समय में, सही नक्षत्रों में एक सुंदर सी बालिका, एक सुंदर सी कन्या का जन्म हो जाता है। एक दासी भागी भागी चली आई, कहने लगी, अरे वो कह रही है, बधाई हो कुंवर सा, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर संतान ने जन्म लिया है कुंवर सा। वो भागते हुए अपनी धर्म पत्नी और अपनी संतान के कक्ष में जाते हैं रतन सिंह जी। जैसे ही गए, उन्होंने नन्ही सी बालिका को अपनी गोद में, हाथों में उठाया, देख कर वो दंग रह गए, आश्चर्य में डूब गए, कहने लगे, अप्रतिम अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत, ऐसा रूप, ये तो देवी लग रही है, साक्षात देवी। वो उसको उसकी माता के समक्ष रखकर बाहर चले आए, हीरे मोती के हार लुटाने लगे, अपने सेवकों से कहने लगे, कुड़की को दुल्हन की भांति सजाओ, सभी को मिठाइयाँ बांटी जाए। एक सेवक ने कहा, हुकुम हुकुम, क्षमा कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुत्र रत्न हुआ है? रतन सिंह जी ने कहा, अरे रत्ना हुई है, रत्ना, हमारे घर में कन्या आई है और ऐसी कन्या लगती है कि समस्त आर्य भूमि को अपनी तेजस्विता से आलोकित कर देगी, ऐसा लग रहा है। सेवक, जाओ जाओ मिठाइयाँ बांटो। और एक समाचार उन्होंने भेजा राव दूधा जी के लिए मेड़ता में कि जाओ उनको भी समाचार दे आओ। अश्वरोही बड़ी द्रुत गति से जाता है, राव दूधा जी को यह समाचार देता है। राव दूधा जी के पाँव आज धरती पर नहीं लग रहे, उन्हें लग रहा है मानो वो आकाश में उड़ रहे हैं। अरे हमारे गृह में एक कन्या आई है, एक बालिका ने जन्म लिया है, बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने कुल पुरोहित जी को कहते हैं कि जाइए कुड़की में
और कुड़की में जाकर वीर कुंवरी जी, रतन सिंह जी और उनकी उन नवजात कन्या को ले आइए, यहाँ मेड़ता में लिवा लाइए, यहाँ धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, सबको बधाइयाँ बांटेंगे। और जैसे ही कुल पुरोहित जी उन सबको अपने साथ मेड़ता में लिवा लाते हैं तो राव दूधा जी उस छोटी सी कन्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वाह चतुर्भुज भगवान, ये तो आपकी भक्त ही लगती है देखने में, क्योंकि मीरा बाई जी वो कन्या उनकी तेजस्विता बचपन से ही देखने वाली थी, आलोक से परिपूर्ण उनका मुखमंडल था, वो देवी स्वरूपिणी लग रही थी सभी को। और उन्होंने कहा कि मेड़ता की प्रजा के लिए मेड़ता के राजप्रसाद के द्वार उद्घाटित कर दिए जाएं, सभी के लिए पकवान और व्यंजनों का प्रबंध किया जाए, एक और व्यंजन बन रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और प्रजा के लोग आते हैं, बधाई देते हैं, हुकुम आपको बहुत बहुत बधाई हो, इन बालिका के जन्म की, राजकुमारी जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। और इसलिए किसने बड़ा सुंदर कहा, मेड़ते जन्मी मीरा बाई, आनंद छायो बजी बधाई, सुनकर समाचार सुख उपजियो, बाजे ढोल शहनाई, सकल जगत को पावन करने प्रेम की गंगा आई, मेड़ते जन्मी मीरा बाई, मेड़ते जन्मी मीरा बाई। सभी बधाइयां दे रहे हैं आप सभी को भी, भक्त मीरा बाई के जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और सभी उस राजप्रसाद के आंगन में पहुंचते हैं और जैसे ही नन्नी सी मीरा को, कन्या को देखते हैं तो सभी मन ही मन सोचते हैं, कुण आयो मारे आंगणा, हमारे आंगन में ये कौन आ गया है, ये नन्नी सी बालिका नहीं लगती, ये तो लगता है कि भक्ति देवी ने साकार रूप धारण कर लिया है। वो बार बार सोचते हैं, वो कहते हैं भावे मेड़ता गोकुल धाम, आज मेड़ता गोकुल जैसा लग रहा है। भगवान का जन्म जब गोकुल में हुआ था तो कैसी रौनक वहाँ लगी थी, कैसी शहनाइयाँ, वाद्य यंत्र बजे थे, कैसी वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अगर ये तो भगवान की अनन्य भक्त का जन्म हुआ है तो आज भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो मारे अंगना, सभी ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति में भीजियो रे महारो गांव, कुण आयो मारे अंगना, सभी प्रसन्नता से भरकर जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए आज राजस्थान की उस पवित्र धरती, उस भूमि पर मेड़ता में चलते हैं जहाँ नन्नी सी मीरा बाई जी के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आइए हम भी इन खुशियों में सम्मिलित होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो म्हारे आंगना, कुण आयो म्हारे आंगना, ताली हो जाए क्या हो? भक्ति में भी जोरे मारो गांव, भक्ति में भी जोरे मारो गांव, कुण आयो मारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो मारे आंगना, भावे मेड़ता गोकुल धाम, कुण आयो we'll be right back.
भावे मेड़ता गोकुल धाम उड़ियायो भारे आंगना भक्ति में भी जोरे मारो गाँव भक्ति में भी जोरे मारो गाँव उड़ियायो भारे आंगना भावे मेड़ता गोकुल धाम उड़ियायो भारे आंगना भावे मेड़ता गोकुल बालिका मीरा बाई जी आ गई हैं और जैसे ही बड़ी धूमधाम से मेड़ता में उनका जन्मोत्सव मनाया गया सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और मीरा बाई जी का जन्म हुए उस बालिका का जन्म हुए अब 10 दिन बीत चुके हैं आज 11वां दिन है और नामकरण संस्कार की परंपरा पूर्ण होने जा रही है कुल पुरोहित जी को बुला लिया है राव दूदा जी ने और कुल पुरोहित जी से कहा कुल पुरोहित जी आप हमारी पोती की जन्मपत्री भी बना दीजिए और शुभ मुहूर्त के अंदर इनका नामकरण संस्कार भी कर दीजिए कुल पुरोहित जी जन्मपत्री बना रहे हैं ग्रह दशाओं को देखते हुए तो वो सब इस कार्य में लगे हुए हैं राव दूदा जी उनके समीप बैठे हैं कुल पुरोहित जी को देखकर राव दूदा जी कहने लगे कुल पुरोहित जी आपको तो कभी जन्मपत्री बनाते हुए इतना विलंब नहीं हुआ आप तो संकेत मात्र से भविष्य का फलादेश बता देते हैं लेकिन अब आपको इतना विलंब इतना समय क्यों लग रहा है कुल पुरोहित जी भाव विवल होकर कहने लगे राव दूदा जी शब्द ढूंढ रहा हूं इस पत्री के विषय में कहने के लिए राव दूदा जी ने कहा कुल पुरोहित जी शब्दों की खोज तब की जाती है जब कुछ असामान्य सी बात कहनी हो तो राव दूदा जी की ओर देखकर कुल पुरोहित जी कहने लगे यह कन्या भी तो बड़ी विलक्षण है राव दूदा जी तो इनकी पत्री भी तो असामान्य ही तो होगी विलक्षण ही तो होगी बड़ी अद्भुत कन्या ने जन्म लिया है आपके कुल के अंदर आपके वंश के भीतर राव दूदा जी बड़े उत्तेजित हो गए कहने लगे कुल पुरोहित जी कुछ तो बताइए कुल पुरोहित जी ने कहा सुनिए साधुता सज्जनता त्याग प्रेम वैराग्य भक्ति इन सब का ये सब सद्गुण इन छोटी सी कन्या के भीतर है ये सद्गुणों की खान होगी और इतना ही नहीं ये अपने निश्चय की बड़ी पक्की होगी दृढ़ निश्चय वाली होगी अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए निडर और साहसी होगी आप कह सकते हैं यह एक वीरांगना ने आपके घर में जन्म लिया है आपके कुल में आई है एक वीरांगना राव दूदा जी सुनते जा रहे हैं कुल पुरोहित जी कहने लगे आगे सुनिए राव दूदा जी जब राजकुमारी या राजकुंवरी के पीछे दास दासियां चले तो कोई बड़ी बात नहीं होती है अरे जैसे ही राव दूदा जी ने सुना अच्छा इसके पीछे क्या दास दासियां नहीं चलेंगे क्या कहना चाहते हैं आप कुल पुरोहित जी ने कहा बात तो पूर्ण सुन लीजिए मेरा वाक्य भी अधूरा है राजकुमारियों के पीछे दास दासियां चले बड़ी बात नहीं होती लेकिन इस कन्या के पीछे तो लोगों की भीड़ चलेगी जन समूह चलेगा ये सबके हृदयों को अपनी ओर खींच लेगी राव दूदा जी कहने लगे हरे कृष्णा बड़ा अद्भुत आप बता रहे हैं इनका फलादेश तो कुल पुरोहित जी आगे बताने लगे कहने लगे ये लोगों की भीड़ इसके पीछे चलेगी तो राव दूदा जी फिर मध्य में बोल पड़े तो कहीं राजपाट का संचालन करेगी हमारी पोती कुल पुरोहित जी ने कहा इस भौतिक खंड का राज्य करके ये क्या करेगी ये तो हृदयों पर राज्य करने आई है ये हृदयों पर राज्य करेगी सभी के राव दूदा जी भगवान को भक्त प्रिय होते हैं लेकिन ये ऐसी भक्त होंगी जो भगवान की प्रिया बन जाएंगी हम आपको आज ही बता देते हैं राव दूदा जी सुनकर कृतार्थ होते चले जा रहे हैं और इतने में कुल पुरोहित जी खड़े हो गए
नन्नी सी बालिका के झूले के समीप चले आए। कहने लगे, राव दूधा जी, इस कन्या ने आपके गृह में जन्म लेकर आपके कुल और वंश को पवित्र कर दिया है, ऊंचा बना दिया है, इस धरती को इसने भाग्य लगा दिए हैं। आपका कुल और ये मेड़ता जो है राज्य, यह इस कन्या के नाम से जाना जाएगा, इसी के कारण ये जगत में सुप्रसिद्ध हो जाएगा। राव दूधा जी ने कहा, आप कन्या को अपनी गोद में भी उठा लीजिए कुल पुरोहित जी। कुल पुरोहित ने झूले में लेटी हुई नन्ही सी बालिका को अपने हाथों से उठाया, अपनी गोद में लिया। देखने लगे, अद्भुत प्रभु, अद्भुत, कैसा रूप है, सौंदर्य है, कैसी तेजस्विता है इनके मुखमंडल पर, वाह। कुल पुरोहित जी कहने लगे, मिहिर की तरह लगती है ना, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का प्रकाश इनके मुखमंडल पर भासित हो रहा है, मिहिर की तरह है तो इनका नाम रख देते हैं मिहिरा। वाह, बहुत सुंदर नाम है। सभी ने कहा, बधाई हो हुकुम, बधाई हो राजकुमारी सा का, कितना सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। और वो लोक चाल में चलते चलते आम भाषा से वो निकलते हुए मिहिरा से मीरा बाई बन गया। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा गुण, भक्ति के प्रकाश में सारे संसार को आलोकित करती रही, प्रोद्भासित करती चली गई मीरा बाई जी। और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, लोग राव दूधा जी के समीप आए और कहने लगे, देखे जग में भोगी योगी, तपसी ज्ञानी त्यागी, विधाता की सृष्टि में दूधा जी बढ़बागी, दूधा जी बढ़बागी। दूधा जी ने उस नन्नी से अपनी पोती मीरा को गोद में लिया और देखकर उसे कहने लगे, प्रेम भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई, मीरा बाई, बहुत सुंदर नाम। और इतने में नामकरण संस्कार तो संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे मीरा बाई अपने राव दूधा जी की, अपने दादाजी की लाडली बनती जा रही है। मीरा नन्नी सी है, राव दूधा जी उसे गोद में लेते हैं, और मीरा जब रोती है ना तो कहते, राव दूधा जी भगवत भजन गायन करते हैं, भजन को सुनकर वो एकदम से चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भी इस भजनों की लोरियों को ही तो सुना था माँ के गर्भ में। अब मीरा बाई जी शांत होती हैं, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा स्वयं सरकने लगी, भूमि से थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लगी, तो मीरा बाई जी के दादा एक दिन चतुर्भुज नाथ भगवान के मंदिर में उनको ले गए। चतुर्भुज भगवान के चरणों के थोड़ी सी दूरी पर मीरा को लिटा दिया, और मीरा सरकते 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 चतुर्भुज भगवान के चरणों तक पहुँच गई और अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। कहते हैं, पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। राव दूधा जी प्रसन्न हो गए, ये कृष्ण समर्पिता ही बनेगी, इसने आज चुनाव कर लिया है प्रभु के चरणों का, राव दूधा जी समझ गए और प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से मीरा थोड़ी बड़ी होने लगी, और मीरा बाई जी ने जब कहते पहली बार नाम लिया तो वो गिरिधर ही बोलती हैं, तो तुलाकर गिरिधर गिरिधर, फिर कहती है कान्हा कान्हा। उनके राव दूधा और माता पिता प्रसन्न होते हैं, दादाजी प्रसन्न होते हैं कि मेरी पोती ने गिरिधर का नाम लिया है। मीरा बाई जी का पालन पोषण जो है वो अपने दादा के निरीक्षण में हो रहा है, और राव दूधा जी उनको नित्य प्रति कहानियां सुनाते हैं। आज चतुर्भुज नाथ मंदिर में मीरा को ले गए, मीरा थोड़ी बड़ी हुई है और मीरा को वो कहानी सुना रहे हैं चतुर्भुज भगवान की, ये सुदर्शन क्यों धारण करते हैं अपनी तर्जनी अंगुली पर, ये शंख कब बजाते हैं, इस प्रकार से सारी कहानियां मीरा को सुनाते चले जा रहे हैं। लेकिन भक्त जरो, कितनी समझने की बात है, मीरा बाई जी को बचपन में ही कहानियों के माध्यम से वैराग्य, भक्ति, सज्जनता, ये सारे गुणों का रोपण उनके हृदय में कहानियों के माध्यम से कर दिया गया। बाल्यकाल में हमने भी तो अपनी दादी माँ नानी माँ से बड़ी कहानियाँ सुनी है, हमारा बचपन भी दादी नानी की कहानियों में ही तो गुजरा है। दादी नानी की कहानियाँ सुनते सुनते हम कभी परियों के देश में पहुँच जाते थे, और कभी कहानी के माध्यम से हमारी नानी माँ और दादी माँ हमारे अंदर त्याग, बलिदान, संवेदना, इन गुणों को बड़ी सहजता से रोपित कर दिया करती थी। हमने अपने बचपन में बड़ी कहानियाँ सुनी, और बच्चों को मनोरंजन देना ये प्राथमिक दायित्व होता है माता पिता का। आज के समय की अगर हम बात करें तो बच्चों को मनोरंजन दिया जा रहा है क्या, टेलीविज़न के सीरियल्स, उनको टेलीविज़न के सीरियल्स के हवाले छोड़ दिया जाता है, और बच्चे जब उनको देखते हैं जिनमें कॉर्पोरेट जगत के झगड़े हैं, षड्यंत्र हैं, घर की हिंसा है, घरेलू झगड़े हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं, कुछ अश्लील चीज़ें देखते हुए भी वो छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं। अब आप सोचिए, जब वो बड़े होंगे तो उनकी मानसिकता कैसे विकृत और कुंठाओं से भरी होगी,
सोचकर भी मन दहल उठता है, भय से कांप उठता है। ना दादी और नानी की वो कहानियां जो हमारे लिए हम सफर होती थी पूरे जीवन भर की, आज वो आधुनिकता के कुहासे में कहीं खो गई हैं। कभी मुंशी प्रेमचंद जी जैसे प्रतिष्ठित लेखकों की कलम बच्चों के मन को झांकती और टटोलती हुई कहानियां लिखती थी। वो ऐसे ऐसे चरित्रों का गठन कर देते थे, ऐसे ऐसे चरित्रों को गढ़ देते थे कि बच्चे तो क्या, बड़ों के मन को भी वो चरित्र छू जाया करते थे, क्योंकि वो चरित्र सत्यता के, यथार्थ के बड़े समीप होते थे और बच्चे स्वयं अपने आप को उन चरित्रों में महसूस करने लग जाते थे और फलस्वरूप बड़ी सुंदर एक संवेदनाओं की निर्झरनी उनके जीवन में प्रवाहित होने लग जाती थी। आज के बच्चों में भी संवेदनाएं हैं, पर उनके मूल्य बिखरे हुए हैं, उनको समेटने की आवश्यकता है। हमें याद है मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी ईदगाह, जिसमें हामिद नामक एक छोटा सा लड़का था जो अपनी दादी के साथ रहता है और उनके माता पिता, उनका देहांत हो चुका है, अकेली दादी के साथ वो रहता है और मेले में घूमने की जिद करता है तो दादी उसको 3 पैसे दे देती है, क्योंकि बहुत गरीब है, अधिक नहीं दे सकती। और हामिद वो छोटा बच्चा उन 3 पैसों को लेकर मेला घूमने निकल जाता है। जैसे ही वो मेले में जाता है तो वहाँ देखता है बच्चे झूले ले रहे हैं, बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, कोई खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद ने मुट्ठी में 3 पैसे थाम रखे हैं, इनमें से वो कुछ नहीं लेता। वो आगे बढ़ता जाता है और तभी एक दुकान आती है, उस दुकान पर वो लोहे का चिमटा देखता है और उस दुकानदार से कहता है, ये लोहे का चिमटा कितने का है? वो कहता है 5 पैसे का। तो हामिद बोलता है, 3 पैसे में दे दोगे क्या? तो उसको उस पर दया आ गई, वो कहता है ले जा, 3 पैसे में ले जा। वो 3 पैसे दुकानदार को देता है और लोहे का चिमटा घर ले आता है और आकर प्रसन्नता से दादी की गोद में बैठ जाता है। दादी माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लोहे का चिमटा लेकर आया हूँ। दादी को क्रोध आ गया, कहने लगी, इतनी मुश्किल से 3 पैसे इकट्ठे किए थे, तुझे दिए थे कि तू घूम आए, बच्चों के साथ मिठाई खा ले, झूले ले ले, लेकिन तू ये चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने कहा, दादी मेरा मन भी कर रहा था मैं मिठाई खाऊं, झूले लूं, खिलौने खरीद लूं, लेकिन दादी मुझे याद है जब तुम मेरे लिए रोटी बनाती हो ना, तब तुम्हारी अंगुलियां रोटी बनाते हुए जल जाती हैं दादी माँ, इसलिए मैं लोहे का चिमटा लाया हूँ, अब तुम्हारी उंगुलियाँ कभी नहीं जलेंगी। दादी को अपने पोते पर प्रेम आ गया और अपने सीने से दादी माँ ने लगा लिया। और मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी ने बच्चों के मन में बड़ी सहजता से अपनी दादी और बड़ों के लिए आदर और संवेदना के भावों का प्रत्यारोपण कर दिया। आज ऐसा बाल साहित्य नहीं, ऐसी कहानियां नहीं, आज ना तो कहानी सुनाने वाले हैं, ना कहानी सुनने का किसी के पास समय है। हम बचपन में सुनते थे चंदा मामा, बेताल पचीसी और पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां देखिए, कहते दक्षिण भारत के अंदर महिला रूप्य एक राज्य था, अमर शक्ति वहां के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बाहु शक्ति और अनंत शक्ति, लेकिन तीनों की तीनों विद्या में कमजोर थे, विद्या अर्जन नहीं करना चाहते थे। अब राजन को बड़ी चिंता हुई और सोचा कि मेरा राजपाट कौन चलाएगा। जब ऐसी चिंता हुई तो कहते हैं अपनी एक सभा लगाई और उसमें आचार्य विष्णु शर्मा आए जो 80 वर्षीय वृद्ध हैं। आचार्य विष्णु शर्मा जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं 6 महीने में राजकुमारों को बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा, राजपाट संभालने के ये योग्य हो जाएंगे। अब विष्णु शर्मा जी उनको साथ ले गए, लेकिन वो सोच रहे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, विद्या में कमजोर हैं, उनको मैं नीतियाँ, रणनीति, राजनीति कैसे समझाऊंगा। तब उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, उसका नाम क्या था, पंचतंत्र, 5 वॉल्यूम्स, और इसमें 84 स्टोरीज हैं, बड़ी एक्साइटिंग और ट्विस्ट से भरी हुई कहानियाँ। एक कहानी में दूसरी कहानी में तीसरी कहानी निकल आती है, जिसमें पशु पक्षी जो है वो ह्यूमन नेचर के पक्ष में है, वो बात करते हैं, वो संवेदनाओं की, भावनाओं की, इस तरह की मिली जुली बातें करते हैं। और इन कहानियों के माध्यम से ही आचार्य विष्णु शर्मा जी ने उन तीनों राजकुमारों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के गुणों को भर दिया और उन्हें राजपाट के सुयोग्य बना दिया। कहानियों के माध्यम से ही देखिए उनको सब नीतियाँ सिखा दी गई, कहानी से होता था। लेकिन अब एनिमेशन का ज़माना है, बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, कैंडी क्रश, पबजी, इसमें लीन रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, एनिमेटेड रंग जमाए हैं, कंप्यूटर के खेल निराले, आईपैड, पीसी, पीएस वाले, शुरू करो तो
रोक ना पाए, मम्मी कितनी डांट पिलाए, भूल भाल कर खाना पीना इन्हीं के संग छुट्टी भर जीना, क्या भारत यूके यूएसए दुनिया को भरमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है। टेलीविजन कथाएं बदली, फिल्मों की गाथाएं बदली, नए नए पात्रों के चर्चे, छोटा भीम सराहे बच्चे, आइस एज के किस्से अच्छे, बच्चों को लगते हैं सच्चे, कृष्ण गणेश हनुमान का जादू मन को भाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है। पर इसके संग कुछ खोया हमने, दादी के किस्से अब सपने, मित्रों के जमघट भी छूटे, रिश्ते नाते सिकुड़े टूटे, खेल कूद का समय नहीं है, जो आभासी वही यही है, मन ना लगे पढ़ने लिखने में, लैपटॉप ललचाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए। एनिमेशन की दुनिया चल रही है, बच्चों को कहानी सुनाने का किसी के पास समय नहीं। अगर हम सूर सागर जो सूरदास जी के द्वारा रचित है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का बाल्यकाल उस चरित्र को पढ़ें, तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम जी का बचपन देखें, तो ये भी अत्यंत रोमांचकारी है। इसमें दार्शनिकता है, धार्मिकता है, इसमें बच्चों के लिए बड़ी सीख है, क्योंकि आजकल फैंटसी का ज़माना है। हैरी पॉटर के बारे में तो हम जानते हैं, एक ऐसा उपन्यास जो दुनिया भर की भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया, दुनिया भर के बालक हैं उन्होंने इस साहित्य को, इस उपन्यास को पढ़ा। हैरी पॉटर द हाफ ब्लड प्रिंस, ये प्रति तो कहते 200 गुना अधिक भी की इस उपन्यास की प्रति। क्यों? क्योंकि इसमें एक रोमांचकारी यात्रा पर बच्चों को ले गए। लेकिन हमारे दर्शन में, हमारे अध्यात्म में भी ऐसी रोमांचकारी यात्राएं, ऐसी कहानियां हैं, अगर हम उन्हें खोजें और बच्चों को पास बिठाकर सुनाएं तो बड़ी सहजता से गुणों का, सद्गुणों का प्रत्यारोपण हम बच्चों के भीतर कर सकते हैं। सज्जनों, ये हमें करना होगा। आज मीरा बाई जी के साथ हो रहा है, चतुर्भुज मंदिर में बैठी हैं, तो दादा सा ने कहा चलो मीरा अब कहानी बंद और अब समय है चतुर्भुज भगवान के कीर्तन करने का। देखो कितने लोग मंदिर में आ गए हैं। मीरा भाई ने कहा दादा सा लेकिन ये घंटी तो मैं ही बजाऊंगी चतुर्भुज भगवान मंदिर की। तब दादा सा ने उसे गोद में उठाया और मीरा भाई ने उस घंटी को बजा दिया और तभी साथ ही साथ सभी भक्तों ने प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा को गायन करना प्रारंभ किया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तिमती मीरा बाई की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
रूप बंसी श्याम के सोहे सबका ही मन मोहन मोहे सबका ही भगवान के मंदिर में भव्य कीर्तन हुआ, जिसमें भक्त खूब नाचे, खूब उन्होंने भजन का गायन किया, कीर्तन में सम्मिलित हुए और इस प्रकार से वो संध्या का समापन हुआ। उसके बाद अगली प्रातः हुई। नन्ही सी मीराबाई आज अपने दादा सा के कक्ष में जाती हैं। दादा सा का कक्ष जो कि बहुत ही बड़ा है, और उनके कक्ष में जाकर अपने दादाजी को खोजती हैं। मेरे दादा सा कहाँ है, दादा सा कठे गए हो, कहाँ है मेरे दादाजी, उनको ढूंढती है। और जब वो नहीं मिलते हैं किसी भी कोने में, कहीं भी बैठे दिखाई नहीं देते मीरा को, तो मीरा आकर सैनिक से, एक सेवादार से पूछती हैं, महारे दादा सा कठे गयो? वो कहते हैं, आपके दादा सा उद्यान में गए हैं, बाग बगीचे में गए हैं, चतुर्भुज भगवान के लिए पुष्प लाने के लिए। मीराबाई नन्ही सी है और वो नन्हे गिरते पड़ते चलती हुई लड़खड़ाती हुई बाग में पहुँच जाती है। जैसे बाग में गई वहाँ आवाज़ें देती हैं, दादा सा दादा सा। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, कहने लगे, अरे आज तो हमारी लाडो भी आ गई है बगीचे में, सुबह सुबह क्या करने आई हो यहाँ पर? मीरा भाई कहने लगी, दादा सा मैं भी आपके लिए ना पुष्प चुनूंगी। दादा सा ने कहा, अच्छा और क्या करोगी? मैं ना आपके साथ ना चतुर्भुज भगवान के लिए ना सुंदर सुंदर हार बनाऊंगी। मीरा की बात सुन के दादाजी को उन पर प्रेम आ गया और प्रेम से उनके गाल को सहलाने लगे। मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई है, भगवान चतुर्भुज जी के लिए हार भी बना देगी। जी दादा सा मैं ये सारे कार्य कर दूंगी। दादा सा कहने लगे, तो फिर भोग का प्रबंध भी कर दे। मीरा सोचने लगी, वो दादा सा भोग क्या होता है? भोग? अरे जो बाद में बड़ा प्रसाद लेती है ना दोनों हथेलियों में, वो भोग ही तो होता है जो बाद में प्रसाद बन जाता है। मीरा मुस्कुराने लगी और दादाजी के साथ वो फूल चुनती जा रही हैं। अब धीरे धीरे फूल एक नन्ही सी टोकरी में डालती जा रही हैं दादाजी के साथ। और जैसे ही दोनों दादा पोती बाग से बाहर आते हैं, निवृत्त होते हैं, और वो उस चतुर्भुज भगवान के मंदिर में ही आकर दोनों बैठते हैं, वहाँ बैठकर हार बनाते हैं प्रभु के लिए सुंदर सुंदर, और मीरा भाई भी साथ बनाती जाती हैं। मीरा भाई जी का शैशव इतने संस्कारों से पल्लवित हुआ है। उनके राव दूदा जो दादा सा है ना, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के शासक हैं। राव दूदा जी जहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, मीरा बाई जी भी साथ सत्संग करने के लिए जाती हैं। अगर उनके चतुर्भुजनाथ मंदिर में कीर्तन हो रहा है तो मीरा बाई जी भी साथ कीर्तन में सम्मिलित होती हैं। मीरा बाई जी को अगर कोई अच्छी कहानी सुना रहे प्रभु के विषय में, वो भी सुन लेती हैं। दादाजी जो हैं वो धर्मशाला का निर्माण करवाने के लिए जाते हैं तो मीरा भी साथ ही चली जाती है। वो मंदिर को भी बनवाते हैं, बहुत धर्म कार्य उन्होंने किए हैं राव दूदा जी ने। जैसे वो मंदिर के निर्माण के लिए भी जाते हैं तो मीरा भी उनके साथ चली जाती है। इस प्रकार से मीरा बाई जी का बचपन संस्कारों से ही पल्लवित हुआ है। भक्तजनों कहते हैं ना, एक जो बालक या बालिका होती है, बच्चों को संस्कार घर के माहौल से मिलते हैं, किसी मॉल से नहीं मिलते। कुपोषण भोजन का ही नहीं होता, कुपोषण संस्कारों का भी हुआ करता है। और जापान के अंदर तो
ये बात मानी जाती है और ये बात सही भी है, सब जगह यह बात प्रचलित है कि हमारे शरीर की का विकास होने के लिए, उसे डेवलप होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो 8 से 10 साल की आयु में ही डेवलप हो जाता है। जो सीख लिया इसी आयु में सीख लिया गया उसमें वो पक्का होता चला जाता है। और जापान के अंदर बच्चों के लिए उनके ग्रेड की वैल्यू नहीं, वहाँ पर उनके मॉरल की वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है। कहते हैं जापान में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ के टीचर्स, सबसे पहले वो स्कूल को साफ करवाते हैं, उनसे वॉशरूम्स को धुलवाया जाता है, उनसे सब्जियाँ उगवाई जाती हैं, फिर उन सब्जियों को कटवाया जाता है, उनसे सब्जी बनानी सिखाई जाती है, और लंच टाइम में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपस में मिलकर वो लंच करते हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स में एक बॉन्डिंग पैदा हो सके। इसलिए जापान के स्कूल में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से कतराते नहीं हैं, जापान देश के बच्चे वो स्कूल में जाना बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी उसमें बॉन्डिंग दिखाई देती है। और जापान में बड़ी रूट लेवल पे बच्चों को ये बात सिखाई जाती है, अगर तुम्हें कहीं किसी की वस्तु दिखाई पड़े तो तुम उस वस्तु को उठाओ, उस व्यक्ति को ढूंढो और उस तक उसे पहुंचा दो, ये तुम्हारी नहीं है, इसे कभी स्वीकार नहीं करना। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसे डिपॉजिट करवा दो। जापान में अगर आप किसी दुकान पर अपना पर्स भूल जाते हैं तो कहीं होटल के किसी कमरे में आप रुके हैं तो होटल के उसी कमरे में आपका वो पर्स पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ऐसे मॉरल वैल्यू सिखाए जाते हैं। और सज्जनों इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में भी तो ऐसा युगों से होता आया है, मनुस्मृति में भी कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य स काशदाग्र जन्मः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण सर्व पृथिव्या मानवाः। यानी कि सारी पृथ्वी के मानव, यानी कि सारे विश्व के लोग, विद्यार्थी शिक्षार्थी हमारे यहाँ गुरुकुल में विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, वो यहाँ पर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री या पॉलिटिक्स ही सीखने नहीं आते थे सज्जनों, वो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का गठन करने आते थे, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होने आते थे, वो चरित्र के निर्माण के लिए भारत देश में आया करते थे, ये हमारी मनुस्मृति हमें बता रही है। अगर हम रावण और श्रीराम जी की तुलना करके देखें, अगर इस बात को समझना चाहें तो रावण जो बाहरी तौर पर प्रभु श्रीराम जी की तुलना में बड़ा ही धनवान था, सोने की लंका उसके पास थी और पॉलिटिक्स में इतना आगे था, देखिए कितना बलवान था, उसने काल को भी बांध रखा था, इतना ही नहीं बुद्धिमान बड़ा था, उसने वेदों को कंठस्थ किया था और भगवान शिव का उच्च कोटि का भक्त था, और वो यही कहता था, मुस्सा पंडित मुस्सा राजा और न कोई दूजा है, अपने शीश काट काट शंकर को मैंने पूजा है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। लेकिन वो श्री राम जी से हार गया, पराजित हो गया। कैसे हो गया? सोने की लंका उसके पास है, काल को उसने बांध रखा है, भगवान शिव का अनन्य भक्त है, शीश काट काट के उनको भेंट चढ़ाता है, वेदों को कंठस्थ कर रखा है। श्री राम जी से पराजित हुआ, पराभूत हुआ, कारण एक था, वो श्री राम जी के चरित्र के आगे हार गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम चरित मानस, प्रभु श्री राम जी के चरित्र को अपने मानस में, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में उतार लो, ऐसा चरित्र अपना बना लो, उसका निर्माण करो। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी पिछले वर्ष में माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से हमारे देश में जिन लोगों ने समाज में योगदान दिया उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहते हैं 73 वर्षीय तुलसी गोड़ा जी एक वृद्धा स्त्री आई, जब वो राष्ट्रपति भवन में आई तो लाल कालीन पर जैसे ही उन्होंने पाँव रखा तो सभी देख कर हैरान हो गए। उनके पाँव में कोई भी जूता या चप्पल नहीं थी, नंगे पाँव थी और उनके शरीर पर कोई आकर्षक या महंगे वस्त्र नहीं थे, सादा सा परिधान उन्होंने धारण किया हुआ था। उनको देखकर सारा राष्ट्रपति भवन तालियों की गूंज से गुंजायमान हो गया और उनके व्यक्तित्व के विषय में सारे विश्व को उन तालियों का शोर ही बताने लग गया और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये तुलसी गौड़ा जी कौन है? ये कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली एक वृद्धा स्त्री हैं तुलसी गौड़ा जी, जो पिछले 60 वर्षों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं, जो निरंतर पेड़ पौधे लगाती जा रही हैं और 30,000 से अधिक उन्होंने पौधे लगाए हैं। कभी स्कूल नहीं गई हैं तुलसी गौड़ा जी, और उनके हाथ का लगाया पौधा कहते कभी सूखता नहीं, और उन्होंने इतने पौधे लगाए, उनकी देखभाल करती चली जा रही हैं और उन्हें जंगल के सभी पेड़ पौधों के बारे में, हर्ब्स के बारे में सारी जानकारी है और लोग उन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और कहते हैं कर्नाटक के वन विभाग के सदस्यों ने, कर्मचारियों ने उनको स्थानीय नौकरी देनी चाहिए
लेकिन तुलसी गौड़ा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। और तुलसी गौड़ा जी के इस कार्य को देखते हुए कि पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया, इतने पौधे लगाए हैं और आज भी उसमें जुटी हुई हैं, संलग्न हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति जी की ओर से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा जी ने यह बात सिद्ध कर दी, जिस प्रकार से एक कविता में शब्द की योजना को नहीं उसके भाव का महत्व होता है, एक चित्र में उसके रंगों का नहीं उसकी कला का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति में उसके शारीरिक स्तर का नहीं उसके चरित्र का महत्व होता है, ये तुलसी गौड़ा जी ने बता दिया। और उन्होंने सिद्ध किया कि हमारी भारतीय संस्कृति में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है। ये ऐसी संस्कृति है सज्जनों, ये चरित्र एक छोटा सा शब्द है जो हमारे समग्र व्यक्तित्व का उद्बोधन कर देता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति खनिज संपदा या भौतिक संपदा पर निर्भर नहीं करती, अपितु वहाँ के चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर किया करती है, उस पर आश्रित होती है। सीवी रमन जी के बारे में हम सभी जानते हैं, सीवी रमन जी जो कि भौतिक वैज्ञानिक हुए, प्रख्यात हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उनको एक बार अपने लिए सहयोगी की आवश्यकता थी तो उन्होंने विज्ञप्तियाँ दी, विज्ञापन दिए समाचार पत्रों में। जब आवेदन आए तो इंटरव्यू हुई तो उसमें एक नवयुवक आया तो उन्होंने देखा कि भौतिक विज्ञान में तुम, उन्होंने कहा तुम कमज़ोर हो इसलिए ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। वो युवक वहाँ से चला गया। सीवी रमन जी जैसे अपने ऑफिस का कार्य निपटाकर अपने ऑफिस को बंद करके बाहर आए तो उन्होंने देखा वहीं सड़क पर वो नवयुवक घूम रहा था। सीवी रमन जी ने उस नवयुवक को कहा तुम्हें पता नहीं चला तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उस नवयुवक ने सीवी रमन जी से कहा कि सर मैं इसलिए यहाँ नहीं घूम रहा हूँ मुझे नौकरी चाहिए, सर मैं इसलिए घूम रहा हूँ आपकी कार्यालय की ओर से हमें आने जाने का जो किराया दिया गया है वो मेरे लिए धनराशि कुछ अधिक है, मैं आपके कार्यालय के लिपिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि मैं अतिरिक्त धनराशि को वापस लौटा सकूँ। सीवी रमन प्रसन्न हो गए, उसके कंधे पर हाथ रख के उसे थपथपाया और कहने लगे नवयुवक तुम्हें ये नौकरी मिलती है, तुम नौकरी पर रखे जाते हो। उसने कहा आपने तो कहा था भौतिक विज्ञान में कमज़ोर हूँ। सीवी रमन जी ने कहा भौतिक विज्ञान में जो कमज़ोरी है वो अध्ययन से मैं तुम्हारी ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरित्र में ये जो ईमानदारी का गुण है ये मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए इस नौकरी के योग्य तुम ही मुझे लगते हो। उसे नौकरी पर नियुक्त कर लिया गया। इसलिए कहा गया वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वृत्तमा याति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। यानी कि धन आता है चला जाता है, धन के नष्ट होने से चरित्र का नष्ट होना नहीं माना जाता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया आपके पास धन के अंबार भी होंगे तब भी आप धनवान नहीं होंगे क्योंकि आप चरित्र से गिर चुके हैं। इसलिए सज्जनों अपने चरित्र का गठन करें, उस पर ध्यान दें। और गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं पहले जागरण फिर सदाचरण। हमारे जीवन में सर्वप्रथम जागृति आती है जिसके आधार पर हमारा आचरण सदचरित्र की ओर बढ़ जाता है। मुझे शेक्सपियर की कविता की एक भावार्थ याद आ रहे हैं। शेक्सपियर जी ने रोज एंड कैंकर ब्लूम्स कविता लिखी सोनेट 54 में। सोनेट 54 रोज एंड कैंकर ब्लूम्स में वो कहते हैं कि दो तरह के गुलाब होते हैं, एक जंगल में खिलता है एक बगीचे में लगता है। जो जंगल का गुलाब है बाग वाले गुलाब की हूबहू कॉपी होता है, उसी की तरह लगता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, वो केला ही जंगल में खिलता है मुरझाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बाग और उद्यान में खिला गुलाब का पुष्प है उसकी फ्रेग्रेंस को लेने के लिए सभी उसकी ओर खींचे चले आते हैं और जब वो दुनिया से जाता है तो उसे स्वीट डेथ कह दिया शेक्सपियर जी ने उसकी। वो कहते हैं इसी प्रकार से वो विशेषकर नवयुवकों को संबोधित करते कहते हैं उस कविता में कि तुम भी अपने अंदर इन सद्गुणों की सुभास लेकर आओ, तुम्हारे चरित्र में सद्गुणों की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, तो तुम जब ऐसे बनोगे तो मैं अपनी पोइट्री में तुम्हारे व्यक्तित्व को भर दूंगा और सारी दुनिया के आगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। वो भी चरित्र का गठन करने की बात कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति का निर्माण करना होगा, उसके चरित्र का निर्माण करना होगा, उसके लिए पहले जागरण फिर सदाचरण। अब ये जागरण क्या है, इस भौतिक संसार में जागने की निशानी क्या है, स्थूल नेत्रों का खुलना। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जागरण किसे कहते हैं, अंतर चक्षु का खुल जाना। जब सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, वो हमारे इस मस्तक पर कृपा का हाथ रखते हैं, तब आज्ञा चक्र जो है हमारा तीसरा नेत्र ये उन्मीलित होता है, उद्घाटित होता है, खुलता है, हम भीतर उतरते हैं, ईश्वर के प्रचंड प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त करते हैं और उसके बाद
उस ध्यान साधना इस ब्रह्म ज्ञान की करते हुए हमारे अंदर जो कमियां त्रुटियां हैं मुझे छांट छांट कर बाहर निकालते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माली करता है ना, उसके पौधे के आसपास जो घास फूस उगाता है वो उसकी कटाई छटाई कर देता है, ऐसे ही वो साधक उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश का दर्शन करने के बाद अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी त्रुटियों और कमियों की कटाई छटाई करता है और अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाता चला जाता है। इसलिए ये जागृति जो होती है ये आंतरिक जागृति है, और जैसे एक एटम के अंदर एनर्जी होती है उस एनर्जी को हार्नेस करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है क्योंकि इसका प्रयोग जैसे करेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन भद्रजनों हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, वो साधारण नहीं है, उसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो दिव्य ऊर्जा है हमारे अंदर और सद्गुरु की कृपा से ही हम उससे अवगत होते हैं, उससे परिचित होते हैं और वो कंस्ट्रक्टिव होती है, वो विध्वंसकारी कार्य नहीं, वो सृजनात्मक कार्य हमारे माध्यम से समाज में करवाती है, हमारे कर्म अच्छे होते चले जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए अगर इस राष्ट्र का निर्माण हमें करना है, इसे सुदृढ़ बनाना है तो व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, सभ्य समाज बनाना है तो निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। आए इन्हीं भावों को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। समाज बनाना है तो सभ्य समाज बनाना है तो निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा। आचरण में शुभ संस्कारों और सद्गुणों को भरना होगा, परिणाम से डरना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना होगा, निर्माण मनुज का करना
मिट्टी में जवानी आज जलती है देखो, भोग की भट्टी में जवानी आज जलती है देखो। समाज बनाने के लिए मनुष्य का निर्माण करना होगा, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है, तो राष्ट्र प्रजाजनों की सम्मिलित क्षमता ही तो होती है। इसलिए सज्जनों, किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर करती है। जिस देश के नागरिक जिनकी मनोवृत्ति निकृष्ट होगी, चरित्र से घिरे होंगे, जो अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, जीवन में ऊंचा नहीं उठ सकते, वो राष्ट्र को ऊंचा क्या उठाएंगे। दुर्बल चरित्र के लोग राष्ट्र को ऊंचा कभी नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए पहले जागरण और फिर सदाचरण की ओर हमें बढ़ना होगा। ये भजन हमें यही समझा रहा है। और मीराबाई जी, जो कि संस्कारों में पलती बढ़ती चली जा रही हैं, अपने दादाजी के साथ वो हार बनाती हैं, चतुर्भुज नाथ भगवान जी को अर्पित करती हैं उस हार को, और धीरे धीरे करके मीराबाई कुछ और बड़ी होने लग गई। उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई, ऐसी अद्भुत घटना, अलौकिक घटना घटित हुई, जिस घटना ने उनकी भक्ति रूपी सरिता को ईश्वर रूपी सागर की ओर उन्मुख कर दिया, ईश्वर की ओर बढ़ा दिया। और वो घटना क्या है, ये कल आपके समक्ष कथा के माध्यम से प्रसारित करेंगे, आप सभी के समक्ष उसे रखेंगे। अभी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा अभी प्रेरित विचारों को, प्रेरणाओं को यहीं पर विराम देते हैं। आए गुरुदेव के चरणों में एक जयघोष लगाएंगे। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की, भक्तिमती मीराबाई की, कृष्ण समर्पिता मीराबाई की, वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय।
भगवत प्रेमियों, अभी हमने मीरा श्याम कथामृत के प्रथम दिवस में आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी के माध्यम से बड़ी ही सरसता से कथा का वाचन सुना। कथा के प्रथम दिवस में उन्होंने मीरा बाई जी के जन्म का बड़ा ही सुंदर चित्रण हम सभी के समक्ष रखा। यदि हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों को देखें तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सार गर्भित पंक्ति हमारे सामने आती है, जिसे हम आज की शिक्षा के रूप में लेकर जा सकते हैं। और वो पंक्ति क्या है कि हमें अपने चित्र का नहीं बल्कि अपने चरित्र का निर्माण करना है। व्यक्ति के चित्र की नहीं, व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है। इसलिए ये जो कथाओं का आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य मंच द्वारा किया जा रहा है, इसमें व्यक्ति का चरित्र का निर्माण कैसे हो, ये सूत्र हमें यहाँ से सीखने को जानने को मिलेंगे। और हम सभी को इस पर मनन, चिंतन और आत्मविश्लेषण करना है। तो सज्जनों, अब समय है इस कथा को अंतिम क्षणों की ओर ले जाने का। अब समय हो चला है प्रभु की पावन आरती करने का। तो क्योंकि ये डिजिटल कथा है तो डिजिटल कथा के अनुरूप ही आप सभी भक्त श्रद्धालुजन जो अपने घरों में अपने अपने स्थानों पे जहाँ कहीं भी हैं वहीं से इस आरती में सम्मिलित होंगे। इस कथा के निमित्त जो दैनिक यजमान, उत्सव यजमान और मुख्य यजमान हैं उन सभी से भी अनुरोध है कि वो प्रभु की पावन आरती में आप सभी सम्मिलित होंगे। इस दिव्य मंच के द्वारा प्रभु की आरती का गायन किया जाएगा और उस गायन में साथ साथ हम सभी को भी अपने भावों के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ अपने भावों को अर्पण करना है प्रभु की आरती में सम्मिलित होकर। तो आइए प्रभु की पावन आरती का शुभारंभ करते हैं। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरि।
जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ पश्यमे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षत पुष्पान् गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो
दन्ते प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णं प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। भक्तिमयी मीरा बाई की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। जय कराए वीर बजरंगी, जय कराए वीर बजरंगी, कृष्ण जय श्री कृष्ण। शांति शांति शांति। ओम।